नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती के इस नए एपिसोड में। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से हाजिर हैं जैविक तकनीक के कुछ नए सबक लेकर, जो परंपरागत खेती के साथ कुछ अलग हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा देकर उन्हें भी खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अब देश के किसान जैविक खेती में भी नई नई प्रणाली और तकनीक को अपनाकर नियमित लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि अब किसानों को आमदनी के लिए महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैविक खेती के तहत आज बात करने जा रहे हैं हम एकीकृत कृषि प्रणाली, अर्थात इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, जिसे कि हम एकीकृत कृषि प्रणाली के रूप में भी जानते हैं, जो देश के छोटे किसानों के लिए वरदान बन सकती है। इस प्रणाली में छोटे खेत से ही किसान कई गुना पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कैसे वो अब हम आपको बताते हैं। आप अगर सिर्फ एक या दो फसलों पर निर्भर हैं, तो आपको लागत खर्च करने के बाद 6 महीने तक यानी फसल की बिक्री तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में किसान और उनके परिवार की दैनिक जरूरतें आखिर कैसे पूरी होंगी? अक्सर किसान इसका दबाव झेलते हैं। इसके अलावा अगर 6 महीने या साल भर में किसी किसान को एक दो फसलों से अच्छी आमदनी हुई भी, तो आगे क्या? दरअसल खेती किसानी से एक हद तक अच्छी कमाई के बाद लोगों का मोह भंग होने लगता है, क्योंकि उन्हें और कमाई की जरूरत होती है, लेकिन उनके परंपरागत तरीकों से इसे और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में आप धैर्य ना खोएं। खेती किसानी और इसके सह व्यवसायों से आपके इनकम को 3 से 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में तरक्की हो रही है, खेतों में भी एक हद तक उपज बढ़ी, लेकिन हर एरिया में थ्रेशहोल्ड प्रोडक्शन होता है, यानी एक सीमा के बाद उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके बाद बारी आती है प्रबंधन की। वैसे भी अब हर फील्ड में उसकी अपनी तरक्की के साथ उसमें मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन अपनाने पर आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। तो खेती किसानों के बढ़ते दायरे में भी प्रबंधन के ऐसे गुर हैं जो आपको ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। ये सब कुछ संभव है एकीकृत कृषि प्रणाली से, यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग से। आपको जैसा कि मैं बताना चाहूंगा किसान भाई कि समन्वित कृषि प्रणाली से क्या क्या हमको उत्पाद मिलता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। एक तो जैसे धाने वाली फसलें हमको मिल जाती है, दलहनी तिलहनी मिल जाती है जो खाने के रूप में प्रयोग होती है, बाकी जो बचता है उसको हम बाजार में ले जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे क्योंकि बत्तख पालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, तो उससे हमको अंडे भी प्राप्त हो रहे हैं। आज की डेट में आप देखेंगे जो हमारे समन्वित कृषि प्रणाली से जो अंडे की जो बिक्री होती है, 10 रुपये का एक अंडा हमारा जो है, चाहे आपका बत्तख का हो चाहे मुर्गी का हो, वो सेल होता है। इसके साथ साथ जो है मछली की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखेंगे देश में जो है नॉन वेजिटेरियन की हम बात करते हैं, वो प्रतिदिन आप देखेंगे दिन प्रतिदिन संख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो मछली जो है उत्पाद के रूप में मिलता है। और इसके साथ साथ जो फ्रूट की बात हम जैसे कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, तो जैसे आम है, अमरूद है, किन्नू है, केला है, पपीता है, ये सब चीजें जो है फल के रूप में हमको उत्पाद मिल रहा है।
आपने जो कुछ सुना ये सब कुछ केवल एक कल्पना या फिलॉसफी भर नहीं है, बल्कि बाकायदा जमीन पर उतारा गया है। खेती की उतनी ही जमीन से कई गुना ज्यादा मुनाफा लिया गया है। चलिए आपको बताते हैं इस खास इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। दरअसल आप खेती में भी अलग अलग फसलों को, सब्जियों और फलों को लगाकर साथ ही उससे जुड़े व्यवसाय में यानी पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन को एक साथ अपनाकर अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। एक तो इससे आपको रेगुलर इनकम मिलने लगेगी, दूसरी आपकी इनकम में जबरदस्त उछाल आएगा, तीसरा अहम फायदा ये कि अगर कोई एक फसल बर्बाद हुई तो दूसरी फसल या इससे जुड़े दूसरे व्यवसाय से होने वाले फायदे के जरिए उस घाटे को पाटा जा सकता है। जैसे आपका 600 मीटर स्क्वायर में पाली हाउस है, आपका जो है 50 मीटर स्क्वायर एरिया में मशरूम कल्टीवेशन हम करते हैं या खेती कर लीजिए करते हैं, उसके बाद जो अदर जो क्षेत्रफल है उसमें हम सब्जियां, और क्योंकि पहले हमें ध्यान रखते हैं किसान भाई कि एक परिवार जो जिसमें 5 फैमिली मेंबर होते हैं, आपको कितना धान्य, दलहनी और तिलहनी फसलें आपको चाहिए और उसके साथ कितनी सब्जियां चाहिए, तो मैं हम लोग कैलकुलेट करके जो है उसमें जो है, क्योंकि आप देखेंगे इसका मेन उद्देश्य होता है कि फैमिली न्यूट्रिशन या परिवार पोषण की हम बात करते हैं, एक तो इसको हम लेके चलते हैं जो मुख्य हमारा ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य होता है, दूसरा है मृदा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, और तीसरा होता है आय एवं रोजगार, यानी एक फार फैमिली को रेगुलर या नियमित उसको जो है आय मिलती रहे जिससे कि उसकी दिनचर्या चलती रहे। इसके अलावा एक और बड़ा फायदा ये है कि फसल उपजाना, सब्जियां बागवानी लगाना, मछली पालन, मुर्गी पालन और गौ पालन जैसे व्यवसायों से मिलने वाले सह उत्पाद एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे पशुओं के गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाकर आप ईंधन और ऊर्जा की दैनिक खपत पूरी कर सकते हैं, वहीं इसके अपशिष्ट से खेतों के लिए खाद और मछलियों के लिए भोजन मिल जाता है। साथ ही तालाब का पानी जो पोषक तत्वों से और बेहतर हो गया है, उसका इस्तेमाल सिंचाई में करने से उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। जबकि पशुओं के लिए अपनी फसल के बचे भाग को हरे चारे के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये पद्धति अभी अभी विकसित हुई है, बल्कि कई प्रगतिशील किसानों ने एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाकर बेहतर कमाई की है। ऐसे किसानों की कमी नहीं है जिन्होंने वक्त रहते ये मॉडल अपनाया और आज वो अपने फैसले से बेहद खुश और संतुष्ट हैं। इससे प्रति एकड़ अपनी इनकम बढ़ाई और खेतों को ज्यादा उपजाऊ बनाया। देश के किसानों की हालत प्रधानमंत्री भी सुधारना चाहते हैं। दरअसल खेती में लाभ का दायरा सिकुड़ने के कारण किसानों का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि उनकी आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य सामने है। ऐसे में प्रकृति की मार झेल रहे किसानों के लिए ये एकीकृत कृषि प्रणाली किसी वरदान से कम नहीं, खास तौर पर छोटे और मध्यम किसानों के लिए आय दोगुनी करने का एक बेहतर जरिया एकीकृत कृषि प्रणाली है। आपको मैं बताना चाहूंगा आर्थिक दृष्टिकोण से किसान भाई कि देखिए कोई भी किसान होता है वो आर्थिक दृष्टिकोण से ये जरूर कैलकुलेट या जोड़ता है कि हमारी कितनी लागत हो रही है, हमको कितना शुद्ध लाभ हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो है 4 साल का डेटा है और उससे एक तो पूरे साल यानी 628 मैन दिवस एक फॉर फैमिली को इस समन्वित कृषि प्रणाली में रोजगार मिल रहा है। दूसरा आप देखेंगे क्योंकि प्रथम वर्ष हमको इसलिए कम आय हुआ था शुद्ध लाभ, क्योंकि आप देखेंगे जो बागवानी के पौधे हमने लगाए थे तो उससे फ्रूट हमारी जो है स्टार्टिंग में नहीं मिलते हैं, तो 2 साल बाद मिलते हैं, तो एक तो उससे जो है तो शुद्ध लाभ के रूप में आप देखेंगे प्रथम ईयर हमको जो है 3.40 लाख जो है यानी 3,40,000 शुद्ध आय के रूप में प्राप्त हुआ। द्वितीय वर्ष आप देखेंगे हमको 3,78,000 रुपया शुद्ध आय के रूप में प्राप्त हुआ
और तीसरे साल हमको देखेंगे 3,84,000 रुपया और चौथे साल हमारे जो शुद्ध आय के रूप में हमको जो प्राप्त हुआ यानी फार्म फैमिली किसान फैमिली को वो 3,87,000 रुपया जो है शुद्ध आय के रूप में उनको प्राप्त हुआ। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार आपकी मुलाकात करवाएंगे जैविक खेती करने वाले एक सफल किसान से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। दरअसल आजकल बाजार में बिना कीटनाशकों के इस्तेमाल किए कोई फल सब्जी और अन्न आसानी से उपलब्ध नहीं है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती के कार्यक्रम में। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए रसायन आधारित खेती का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इन्हें इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन बगैर सोचे समझे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल से हवा, पानी और मिट्टी की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। इनका जहरीला असर फसल में आने से लोगों में कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लिहाजा इस बारे में सोचना और इस समस्या को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। इन खतरों को पहले ही भाप कर 50 सालों से राजस्थान के 70 वर्षीय किसान जगदीश प्रसाद पारीक जी ने खेती का एक अलग तरीका अपनाया है और एक अलग जगह दी है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद खास है। दरअसल आज के दौर में खेती में हर जगह हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल में अन्न फल और सब्जियां दूषित हो रही हैं और इसका प्रभाव खाने के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। दरअसल आजकल बाजार में बिना कीटनाशकों के इस्तेमाल किए कोई फल सब्जी और अन्न आसानी से उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम लोगों से बहुत दूर है। इस परेशानी को बहुत साल पहले परखा सीकर जिला राजस्थान गांव अजीतगढ़ के रहने वाले 71 वर्षीय किसान जगदीश प्रसाद पारिख ने, और उन्होंने जैविक खेती का प्रारंभ बहुत वर्ष पहले ही कर लिया था। पारिक जी ने जैविक खेती की शुरुआत साल 1970 में ही कर दी थी, जब देश में अधिक अन्न उपजाने के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरक और दवाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा था। सन 1957 से 70 तक छोड़ करके 70 के बाद से कुएं पर बिजली लगाने के बाद से लेकर के आज तक मैं जैविक खेती करता आ रहा हूं, और वो खेती मैं स्वयं करता हूं, मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं मिलाया है। पारिक जी ने जैविक खेती का साथ नहीं छोड़ा और खेती में कदम रखा तो सबसे पहले उन्होंने अपने खेतों में जैविक तरीके से गोभी की खेती करी। इससे शुरू में उनको एक पौध से गोभी की आधा किलो उपज मिली थी, जिससे उनका हौसला बढ़ा और जैविक खेती में नए नए प्रयोग किए। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों से जैविक तरीके से 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और 1 पेड़ से 150 मिर्च तक की उपज ले चुके हैं।
आधा एक किलो गोभी के फूल को लेकर के उसको आगे बढ़ाया, उसको आवश्यकता अनुसार पानी दिया, उसमें खाद दिया, गड्ढे बना करके उनको लगाया, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी जाती है उसका ध्यान रखा, पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखी जाती है उसका ध्यान रखा, उसको किस समय पानी देना है, किस तरह गुड़ाई निराई करनी है उसका ध्यान रखा, कैसे इसको तोड़ा जाता है, कैसे ग्रीडिंग करके मार, मतलब वो जो जितनी उसका जो बैकग्राउंड है उस सबको ध्यान में रखते हुए मैंने फूल गोभी के चारों तरफ जो मवेशी आती थी, तो मवेशियों में ज़्यादातर हमारे यहाँ नीलगायें आती हैं, तो नीलगायों के बचाव के लिए हमने चारों तरफ छड़ियाँ लगा दी और उस छड़ियों पर तोरू तुरई और घिया ये हमने बो दी, और उस वो बोने के बाद उस पर जो लटक करके बहुत बढ़िया तुरई आई, तो मैंने ये सोचा कि अगर तुरई को भी अपन बढ़ाएं तो भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद उन्होंने एक बार गोभी फूल अधिक उत्पादन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक तरीके से 25 किलो 150 ग्राम वजन का गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं, मगर इनकी गोभी का वजन कुल 850 ग्राम कम होने की वजह से उनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि एक फूल गोभी के फूल उत्पादन का विश्व रिकॉर्ड 26 किलो वजन के साथ अमेरिका के किसान के नाम है। विश्व रिकॉर्ड में ये मालूम पड़ा कि गोभी का वजन है 26 किलो का। जब मेरे को अधिक कृषि के अधिकारियों ने ये बताया कि गोभी हमेशा गोभी और मूली जो दी जाती है या विश्व रिकॉर्ड में रखी जाती है वो पत्तों सहित थी, तो फिर मैंने वो पत्तों का वजन देखा तो मैं विश्व रिकॉर्ड को तो पहले ही क्रॉस कर चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये था कि पत्ते तोड़ के दिए जाते हैं। इसके बाद मैंने जिन जिन को जो गोभी दिखाई उसके बाद में वो पत्तों सहित दिखाई, और ये जो मैं आपको वजन बता रहा हूँ 25 किलो 150 ग्राम का वो पत्तों सहित है, इसमें गोभी होती है केवल 20 किलो 21 किलो 19 किलो तक की, लेकिन 4-5-6 किलो तक के इसमें पत्ते होते हैं, और ये पत्तों सहित ही विश्व रिकॉर्ड में शामिल है। पारिक जी ने खेती में नए नए प्रयोग करके किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। खेती में नए नए नवाचार और रासायन मुक्त खेती की वजह से इनका नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। जगदीश पारिक जी निरंतर सब्जियों की नई किस्में विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीट रोधी और सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके इन्होंने आधुनिक समय में व्याप्त उस मिथ्या भ्रांति को तोड़ा है जिसमें ये माना जाता है कि आज के समय में बिना रसायन के इस्तेमाल किए अधिक और गुणवत्ता युक्त सब्जियां नहीं उगाई जा सकती हैं। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। धरती का अमृत जैविक खेती में प्रयोगवादी किसान के साथ सफर को हम जारी रखेंगे, लेकिन अंतराल के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अन्न की कमी होने के कारण उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने विदेशों से अनाज का आयात करने के लिए सोचा, तो उस समय दूसरे देशों ने हमारे देश को अनाज देने से मना कर दिया था। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती कार्यक्रम में। आइए प्रयोगवादी किसान की कहानी के सफर को जारी रखते हुए जानते हैं कि कैसे ये जैविक किसानों के लिए फायदेमंद है। पारिक जी ने सब्जियों की खेती के साथ साथ अपने खेतों में
जैविक तरीके से फलदार पौधों की भी बागवानी की है। उन्होंने अपने खेतों में जैविक तरीके से नींबू, करौंदा, बेल और अनार इत्यादि के 1000 पौधे उगाए हैं और वे सभी पौधे अच्छी तरह से फल दे रहे हैं। उनके खेत भी काफी स्वस्थ और उपजाऊ हैं। वो बताते हैं कि उनके खेतों में केंचुओं की संख्या ज्यादा है और इसकी जांच सरकार की कृषि विभाग की टीम ने किया था। उस टीम ने बताया था कि उनके खेतों में एक वर्ग फीट में 40 से 45 केंचुए हैं, जो कि खेत को उपजाऊ बनाए रखते हैं। पारिक जी इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने 50 सालों से कभी भी रासायनिक उर्वरक और दवाओं का इस्तेमाल अपने खेतों में नहीं किया है। केंचुए हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, और वो केंचुए जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो वो केंचुए बहुत भारी मात्रा में होकर के वो जमीन को फर्टिलाइज करते हैं। उसका मुझे सबसे ज्यादा लाभ ये मिलता है कि एक बार साल में, एक बार दो बार हर सीजन में जो बुआई की जरूरत होती है उसकी पूर्ति केंचुए करते हैं। प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद पारिक जी कहते हैं, साल 1964-65 में अन्न की कमी होने के कारण उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने विदेशों से अनाज का आयात करने के लिए सोचा तो उस समय दूसरे देशों ने हमारे देश को अनाज देने से मना कर दिया था, जिसके लिए अपने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत थी। इसलिए अधिक उत्पादन के लिए देश के किसान रासायनिक खेती की तरफ बढ़े, लेकिन आज के वक्त में अपना देश अनाज के मामले में निर्भर हो गया है। इसलिए अब रासायन आधारित खेती छोड़कर जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। पिछले 50 वर्षों से जैविक खेती में नए नए प्रयोग और सब्जी की नई नई किस्मों को विकसित करने वाले इस धरती पुत्र जगदीश प्रसाद पारिक जी को वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जगदीश प्रसाद पारिक जी सिर्फ अपनी खुद की खेती से धन ही नहीं बल्कि अपना नाम भी कमाया है। वे अपनी जैविक खेती में नित नए प्रयोग करके देश के किसानों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जैविक खेती के अपने अनुभव के परिणाम स्वरूप पूरे देश में किसानों को एक नया मंत्र और एक नई राह दिखाई है, जिससे किसानों का भला हो, खेत उपजाऊ बने रहें, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और साथ ही पर्यावरण दुरुस्त रखने में भी मदद मिले। उनके ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने देश के किसान पारिक जी जैसे किसानों के अनुभव से सीख लेकर और बदलते समय को ध्यान में रखते हुए अगर जैविक खेती करते हैं तो कम खर्च में उनके खेतों से लगातार उत्पादन उनको मिलता रहेगा, वो भी स्वस्थ और पौष्टिक गुणों से भरपूर, जिसको बेचकर वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शालिनी सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक जीवाणु से बने उपाय की खोज कर ली है, जिसका नाम संस्थान ने हेलो सीआरडी रखा है। इसके छिड़काव से किसान फसल अवशेष जैसी बड़ी समस्या से निजात पा सकेंगे। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक।